दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय बी अनवर बाय। आज शत्रुघ्न सिन्हा रिम्स अस्पताल रांची में जाकर लालू प्रसाद यादव से मिले और मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो संवाददाता ने पूछा कि कैसी हालत है लालू जी का, तो उन्होंने कहा कि लालू जी की हालत अब ठीक ठाक है, बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से वो ठीक हो जाएंगे और ऊपर वाला चाहे तो सब ठीक हो जाएगा और निकल जाएंगे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ चुनावी रणनीति के लिए आए हैं, तो उन्होंने साफ इनकार किया, कहा नहीं मेरा पारिवारिक रिलेशन है, मैं आते जाते रहता हूँ और तेजस्वी तेज प्रताप का मैं गार्जियन स्वरूप है और लालू जी ने हमें गार्जियन स्वरूप बना रखा है, इसलिए मैं मिलने आता हूँ, सलाह मशवरा करता हूँ और मैं चला जाता हूँ। और उन्होंने संकल्प रैली जो पटना में हो रही है उस बारे में बताया कि हाँ हो रही है और हम भी चुनाव मैदान में हैं और रांची में राहुल गांधी जी की भी रैली हो रही है। इसके बाद आपको मैं दूसरा खबर बताऊं कि बांका जिला के शंभुगंज प्रखंड से रेहान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वो कुपवाड़ा आतंकवादी हमले से उनकी तार जुड़ी हुई है। जैसा सूत्रों ने बताया कि रेहान के एक दोस्त हैं जो फरार चल रहे हैं और उनके पड़ोसी हैं, उनसे उनकी अच्छी मित्रता है, उसके बारे में कुछ जानकारी नौसाद बोल के नाम है कुछ जानकारी मिली है एनआईए को और जिसके तहत उसे गिरफ्तार करके ले जाया गया है। तीसरी खबर मैं दूं कि संकल्प रैली जो पटना में होनी है उसके लिए काफी ताम झाम के साथ तैयारी की गई है। आज मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे सहित मंत्री रविशंकर चौरसिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और लोगों को निमंत्रण देने का काम किया कि रैली में कल भारी संख्या में जुटे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आवेंगे और उनके बातों का लाभ सुनकर उठावें। और इसी बीच जदयू के स्पोक्समैन नीरज कुमार भी भौंकना शुरू कर दिए हैं और वो भी तामझाम के साथ तैयारी का विवरण करते हुए आलोचना की राजनीति फिर प्रारंभ की। उनकी एक ही राजनीति है, राहुल गांधी तेजस्वी, राहुल गांधी तेजस्वी, वो अपने आदत से लाचार हैं, वो बस राहुल गांधी तेजस्वी का ही चर्चा करते हैं, वो नीतीश कुमार जी को खुश रखकर अपने एमएलसी पद को बचाए रखना चाहते हैं। तो वैसे स्पोक्समैन की कोई अहमियत नहीं है, इस रैली में वो बहुत पीछे नजर आवेंगे, मंच पर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो मैंने बताया कि आज कुपवाड़ा घटना में संदेह के घेरे में जो नौसाद है उसके लिए रेहान को गिरफ्तार किया गया, लालू जी से शत्रुघ्न सिन्हा ने मिला और कल के संकल्प रैली की जबरदस्त तैयारी की गई है, हमने आपको यह समाचार देना उचित समझा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।